ये मेरे कबूतर 25 साल पुराने हैं। हाँ। मैंने उनको कबूतर दिए थे, मेरे हर कबूतर के एक एक जोड़े के बच्चे दिए थे उड़ाने के। अच्छा, वो कबूतर उनके पास में सर नागपुर में दिन भर उड़ते। अच्छा, महेश पाली सर ने वो कबूतर खुद उनको उड़ते हुए देखे। हाँ। तो उनसे मेरा नंबर लेके वो मुझे खुद विजिट देने यहाँ पे आए। मतलब ये जो मनीष और इन्हीं के बच्चे मैं अभी निकल रहा हूँ। हाँ। और मुझे इनके बच्चे क्रॉस करके निकाल के उड़ा के देखना है। अच्छा, मतलब रिजल्ट देखना है। वेलकम टू पंचे पेट पर। तो आज मैं खापरखेड़ा में अविनाश भाई के यहाँ पे आए हूँ। ये इनके जो कबूतर है ये 25 साल पुराने इन्होंने शो करे। पहले इनके बड़े भाई संभालते थे, अभी 6 साल हो गए, अभी अविनाश भाई संभाल रहे हैं। और इनका अच्छा खासा नाम है मार्केट में, और इनके कबूतर नागपुर में, नागपुर के बाहर भी सप्लाई होते हैं, और काफ़ी नामचीन कबूतर है। देने के बाद में आदमी एकदम सेटिस्फाइड होता है कि कबूतर उड़े हैं। और आइए अविनाश भाई से मिलते हैं और जानते हैं उनसे कबूतरों के बारे में। तो ये है, इनसे मिलिए, ये अविनाश भाई है। हाय भाई। तो आज आपके कबूतर दिखाने वाले, तो कुछ आपके बारे में आपका इंट्रोडक्शन दीजिए ना। ये मेरे कबूतर 25 साल पुराने हैं। अच्छा, इससे पहले मेरे भैया संभालते थे। अच्छा, मेरे बड़े भैया अमोल सोनारे। हाँ हाँ। जब इन्होंने जब शौक छोड़ दिया। हाँ हाँ। ये पूरे कबूतर अभी मैं संभाल रहा हूँ। अच्छा, तो ये शौक आपके बड़े भाई का था? मेरे बड़े भैया का शौक है, तो प्रॉपर्टी डीलिंग में है। हाँ हाँ। और उनके लेआउट्स वगैरह का काम चलता है। अच्छा, और उनकी कुछ प्राइवेट सोसाइटी वगैरह है। हाँ हाँ। तो वो टाइम नहीं दे सकते, इसलिए अभी आपने संभालना चालू कर दिया। जब से वो टाइम नहीं दे रहे तब से ही मैंने कबूतर संभालना चालू किया है। अच्छा, तो एक एक करके बताते हैं इनके कबूतर, और कुछ आपके बारे में बताइए, आपने कबूतर कहाँ का सेल किए है और क्या रिजल्ट है कबूतर का? नागपुर के बाहर यूपी तक गए हैं। अच्छा, और मेरे कबूतर का रिजल्ट हमेशा ही मिला है, और ऐसा किसी ने आज तक बोला नहीं है। अच्छा, मेरे कबूतर नहीं उड़े। अच्छा, एकदम 100% रिजल्ट वाले कबूतर दिए। 6 घंटे कबूतर उड़ने की गारंटी के साथ में हम कबूतर किसी को भी सेल करते हैं। अच्छा, अगर कबूतर नहीं उड़ा तो हम कबूतर वापस भी लेते। अच्छा, उसमें हरे सब्जी की नस्ल है। हाँ हाँ। कलंके की नस्ल है। अच्छा, कंसरे कबूतरों की नस्ल है। हाँ। कलंके की, हरे कलंके की नस्ल है। बहुत ही अच्छे नस्ल के कबूतर है मेरे पास में, बहुत ही पुराने कबूतर। तो ये जो सारे कबूतर है ये आपके होम ब्रीड है? कहीं से बाहर से अभी खरीदना वगैरह सब बंद है? जी, देख सकते हैं ये खापरखेड़ा में लोकेटेड है ये कबूतर। ये भाई का पूरा सेटअप है, ये सेटअप में भाई कबूतर वगैरह रखते हैं, सारे जो कबूतर है इसमें ही रहते हैं। और ये अंदर से कबूतरों का व्यू है। तो देखते हैं एक एक करके इनके कबूतर। हरे कलंगों की नस्ल है। अच्छा, ये मेरे पेटी का सबसे मेन जोड़ा है। हाँ हाँ। और इसी कबूतरों की कलंगी जितने भी मेरे पास में सब इसी कबूतरों के बच्चे। अच्छा, तो ये तकरीबन कितने साल पुराने जोड़ा है ये? ये कबूतर 10 साल पुराना है। अच्छा, 10 सालों से आप ही के पास है जी। और इसके बच्चे लेकर आपने वो भी एकदम रिजल्टेड निकाले रिजल्टेड आपने? बच्चे है, और उड़ने की पूरे गारंटी के साथ हम इसके बच्चे देते। अच्छा, तो इनका शौक कराएंगे अभी व्यूवर्स को। नर है। अच्छा, ये नल है, ये कलंक की आंखों में है जी। तो ये आंखें इसकी, और पर वगैरह पर है, पंजे वगैरह है, काले पंजे। और जैसा कि आप बाजी वगैरह भी नहीं लेते हो या लेते हो? बाजी तो लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बाजी ज्यादा चलती ही नहीं है। अच्छा, ये जो खापरखेड़ा एरिया पड़ता है ये आउटसाइड पड़ता है थोड़ा सा नागपुर से, तो इधर कोई लेने के लिए नहीं देखता है। तो ये देखते हैं, फीमेल है, ये मादी है। ये मेल है, जो नर हमने आपको अभी दिखाया। हाँ हाँ। ये मेल भी काफी उड़ती है। ये फीमेल भी कलंकी, और इसको क्या बोलेंगे? इसको लालचीनी कलंकी बोलते हैं। लालचीनी कलंकी है, इसके भी पर दिखा दीजिए। पंजे मेन जोड़ा है सर।
अच्छा, इन्हीं के बच्चे मेरे पास में जितने भी कलंक के दिखेंगे, इसी जोड़े के बच्चे, इनके बच्चे। तकरीबन 15 साल पुराना कबूतर है। अच्छा, और मेरे पास जितने भी हरे कबूतर है, हाँ हाँ, इसी की नस्ल है। इसकी अच्छा, जो मेल थी अभी मर गई है सर। अच्छा, फीमेल इसकी मर गई है, तो इसको अभी कौन सी फीमेल लगाया है अपन ने? अभी सर मैंने इनको जॉक्सी फीमेल लगाया हूँ। हाँ हाँ, और मेरे पास हरों की पूरी इसकी नस्ल है। अच्छा, और जो बहुत ही उड़ती है। अच्छा हाँ, जो मेन नस्ल है अपने जो नागपुर में चली आ रही है हरों की जी, ये हरा सब्जा कबूतर है, देखिए आप इनको, काफी सुंदर कबूतर है। और उड़ने में भी तकरीबन ये कितने, इसके बच्चे कितने घंटे तक के उड़ते हैं? इसके बच्चे 6 से 7 घंटे उड़ चुके हैं सर। अच्छा, आराम से धूप काले में उड़ चुके। अच्छा, मई के गर्मी के इसमें जी जी। ये जो दिखा रहे हैं अभी, ये जो मेल है ये अंबर सिरा कबूतर है, इसके बारे में कुछ बताइए, ये कितने घंटे उड़ा है आपके पास में? सर इनको अभी तक मैंने उड़ा ही नहीं। अच्छा, ये जोड़ा है मेरे पास में अंबर सरों की। हाँ हाँ, और इन्हीं के बच्चे मैं अभी निकाल रहा हूँ। हाँ हाँ, और मुझे इनके बच्चे क्रॉस करके निकाल के उड़ा के देखना है। अच्छा, मतलब रिजल्ट देखना है। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इसके बच्चे उड़ने वाले हैं कि नहीं उड़ने वाले? ये उड़ेंगे सर, 101% उड़ेंगे। अच्छा, तो ये कैसे आपने मंगाया है कि कैसे खरीदे? भोपाल से लाए। ये भोपाल के कबूतर है, भोपाल से बुलाए। अच्छा, हाँ ये खरा सब जैसा जोड़ा है सर। अच्छा, यांचा पण रिजल्ट खूप चांगलेला आहे। आणि हे यांचे पण पट्टे खूप उडलेले। अच्छा, तो जो भी कबूतर है और जो कुछ भी है तो ये कंफर्म उड़ने वाले पेयर? और मैं बोला उड़ने वाले। आप सेल भी करते हो कबूतर? जी मैं इनके पट्टे सेल करता, ये कबूतर मेरी पर्सनल ब्रीड में किसी को नहीं दे। अच्छा, तो अगर आप किसी भी भाई को, अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो नागपुर से या नागपुर से बाहर से, तो भाई नागपुर के बाहर डिलीवरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? नहीं सर, उनको खुद आके यहाँ से लेके जाना। अच्छा, मतलब आओ चाहे उनको फिर उड़ा के भी कबूतर दिखा देंगे? ऐसा उनको अगर लगेगा तो उनको हम उड़ा के भी दिखा सकते। अच्छा, लेकिन नागपुर वालों को दे देंगे, भिजा देंगे नागपुर वालों के लिए? तो कोई भी, जिस भाई को भी कोई कबूतर लेने में मतलब किसी को पसंद आता है, जो इनके पर्सनल कबूतर है वो छोड़ के जो पर्सनल कबूतर के बच्चे हैं वो भाई सेल करते हैं सिर्फ, तो आपको भी कोई कबूतर पसंद आ जाए तो स्क्रीनशॉट लेके भाई को व्हाट्सएप कर सकते हैं। भाई का व्हाट्सएप का नंबर 9 घंटे ले लो भाई, आपके पहले व्हाट्सएप का नंबर दे दो ना, जो भाई को भी कॉन्टेक्ट करना हो तो आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। 9881202943। अच्छा, तो ये आपका व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग पे भी यही नंबर है, तो जो भाई को भी पसंद आता है कोई भी चीज हो तो इनसे कांटेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। तो ये देखते हैं, ये मादी है तो इनकी भी डिटेल लेंगे भाई से। ये मादी मेरे पास में सर 8 से 9 घंटे उड़ी हुई है। अच्छा, 8 से 9 घंटे उड़ी है। सुबह कितने बजे उड़ाए थे अपन? सुबह 6 बजे से ये मादी 4 बजे तक, 3:30 से 4 बजे तक उड़ी हुई। अच्छा, और वो भी मई महीने में धूप काले में उड़ी हुई। अच्छा, बिना कोई दाना पानी दिए हुए? जी जी बिल्कुल, सुबह पेटी से निकाल के इनको फेंक दीजिए। अच्छा, उत्तर उड़ता रहेगा, एक बार तो लाइट नहीं उतर रहा है। अच्छा, लाइट लगा के उतरना पड़ा एक बार। अच्छा, पिंटू भाई कुछ तो बोल रहे हैं, ये कबूतरी एक बार लाइट में उतरना पड़ा था, एक बार बहुत उड़ी थी वो। अच्छा, मतलब एकदम अंधेरा भी हो गया था तभी भी उतरी नहीं, तो लाइट हेलोजन लगा के उतरना पड़ा। अरे बाप रे, इतनी उड़ी है। बहुत अच्छा कलेक्शन है अविनाश भाई का कबूतर, जैसे बबरा। ये मेल भी सर मेरे पास में 8 से 9 घंटे उड़ी हुई कबूतर। अच्छा, ये भी जी, ये मेरे बहुत पुरानी मेल है। हाँ हाँ, और मेरे ये कबूतर में सबसे पुराने कबूतर यही है। अच्छा, तो जिस किसी भाई को इनके अगर बच्चे लग रहे होंगे तो आपके पास में क्या रेंज से मिलेंगे, मतलब स्टार्ट कौन से रेंज से होंगी और कहाँ तक के मिलेंगे अपने पास में? इनके कम से कम सर 800 रुपए से मैं बच्चे स्टार्ट करता। अच्छा, 800 रुपए से पेयर देते हो बच्चों का? इसका नाम है तोती करके, तोती ये करके, तोती की ब्रीड करके फेमस ब्रीड है। अच्छा, तोती की ब्रीड जी, तोती की ब्रीड, ये तो कुछ न्यू है तोती की ब्रीड।
शायद कोई लोग इन्हें बबरे भी बोलते हैं। जी बबरे भी बोलते हैं, 8-9 घंटे उड़े हैं वो। अच्छा तो ये आपके घर पे है, आपने नाम दे दी इसको तोते की ब्रीड। तोती पहले से नाम है, तोती इसका नाम पहले से ही है। अच्छा ये ब्रीड ही चलती हुई आ रही है। अच्छा तब से इसको तोती बोल के हम इसका दीवान हो गए। अच्छा इसके पट्टी भी है और इसके पट्टे भी फुल गारंटी के साथ उड़े। अच्छा इनके पट्टे भी दिखा देंगे अगर किसी को पसंद आते है तो। ये मेरे तोते के पट्टे है। अच्छा ये 6 घंटे गारंटी के साथ हम इसको कभी भी किसी भी भाई को दे सकते हैं। अच्छा तो ये जैसे कि आपको तोते की ब्रीड दिखाई थी ये उन्हीं के पट्टे हैं। जी जी जो अगर मैंने आपको दिखाया था उसी के पट्टे। अच्छा ये फीमेल है। हाँ ये फीमेल है, ये मेल है। ये दोनों भी पिलंकों में है। कोई शायद वहम आया है कि पिलंग के कबूतर उड़ते नहीं है। नहीं नहीं सर, सभी को पिलंग के ही उड़ते। हाँ नहीं ऐसा कुछ वो भी बोलते हैं कि पिलंगे और गलंगे कबूतर नहीं उड़ते। मेरे पास लेके आइए जी, उनको खुद पर्सनली उड़ा के दिखाता हूँ जी। भाई ने कुछ बात बताई है कि उनको सर्टिफिकेट वगैरह मिला है, तो जानते हैं इनकी स्टोरी सर्टिफिकेट के पीछे क्या है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये अविनाश सोनारे, मतलब जैसा भाई का नाम है वही है, और ये सब प्रमाण पत्र दिया हुआ है कबूतरों का। तो बताइए अविनाश भाई क्या सीन है इसके पीछे का, क्या स्टोरी है। खामला में मेरे एक सर थे। अच्छा स्वप्निल वकील करके। हाँ हाँ मैंने उनको कबूतर दिए थे, मेरे हर कबूतर के एक एक जोड़े के बच्चे दिए थे उड़ाने के। अच्छा वो कबूतर उनके पास में सर नागपुर में दिन भर उड़ते। अच्छा महेश पाली सर ने वो कबूतर खुद उनको उड़ते हुए देखे। हाँ तो उनसे मेरा नंबर लेके वो मुझे खुद विजिट देने यहाँ पे आए। मतलब ये जो मनीष पाली जो सर है वो कौन है। मतलब सर वो नागपुर में जो भी बाजी की टूर्नामेंट होती है वो खुद ही बाजी के टूर्नामेंट भराते हैं, और ये संस्था उन्हीं की है। अच्छा, खुद की जो तो उन्होंने बनाए। ये जो फोटो में दिख रहे हैं यही है सब वो जी, सर जी। अच्छा तो जो मेन नागपुर में जो भी टूर्नामेंट बाजिया वगैरह होते हैं ये इनके अंडर में होते हैं। तो मतलब इन्होंने दूसरे के, मतलब जो आपने जिनको कबूतर दिए थे उनके पास देखकर इन्होंने मतलब कबूतरों को अवार्ड, मतलब ये सर्टिफिकेट आपको दिए। जी मुझे अवार्ड, मतलब ये थर्ड पार्टी हुआ है आपको जो ये प्रमाण पत्र मिला है। उन्होंने उनको बताया कि ये कबूतर मैंने यहाँ से लाए थे, वो पर्सनली हाँ। मुझे विजिट देके मेरे कबूतरों को देख के। अच्छा उन्होंने ये प्रमाण पत्र मुझे सर्टिफाइड किया था। अच्छा ये तो बहुत बढ़िया बात होगी है आपके लिए और हमारे लिए भी, और व्यूअर्स को भी, देखने वालों को भी ये सुनने में काफी अच्छा लगा होगा कि ये देखिए सब कुछ इनकी जो है। ये आपको कब दिए थे सर। ये मुझे पिछले महीने में मिला। अच्छा ये पिछले महीने में मिला है। एक महीने के पहले वो यहाँ आके गए। हाँ हाँ उन्होंने पर्सनली विजिट दिए। अच्छा मेरे कबूतर देखे, उन्होंने मेरे पूरे कबूतरों का शौक किए और मुझे ये दी। नहीं ये तो सर्टिफिकेट लीजिए, आप इसके हकदार हो। हाँ हाँ मतलब देखिए उड़ते हैं। हाँ आपके कबूतर नागपुर में आपने जो भी दिए वो मैंने खुद उड़ते हुए देखा हो। अच्छा मतलब देखिए कितनी बड़ी बात होगी, मतलब आप टूर्नामेंट भी नहीं करे और कुछ भी नहीं करे लेकिन आपके पास में सर्टिफिकेट आपके कबूतरों के लिए, जो आपके कबूतरों के पीछे मेहनत थी आपकी, आपके भाई की, बड़े भाई की, तो उस वजह से देखिए आपको प्रमाण पत्र वगैरह भी मिला हुआ है। तो कैसा लगा था उस टाइम में आपका। बहुत ही अच्छा लगा था। हाँ हाँ और जो भी मेहनत हमने कबूतरों में की ऐसा लगा था कि वो जब आए पर्सनली। हाँ हाँ उन्होंने खुद आके, उन्होंने हमारे को हमारे घर में आके ये सब सर्टिफिकेट उन्होंने हमारे को दिए, हमारे कबूतरों को देखे। अच्छा मतलब एक अच्छा लगा, मतलब ये बहुत बड़ी बात होगी कि जो बड़ी बात होगी सर ये हमारे लिए, जो जो खुद टूर्नामेंट का जो मतलब जज है वो खुद आके आपके घर में पर्सनली विजिट देकर आपको ये आपको हैंड टू हैंड दे रहे, तो बहुत सैल्यूट करने वाली बात होगी ये आपके लिए। और ये इसके पहले कभी आपका इंटरव्यू नहीं हुआ था क्या यूट्यूब पे। जी नहीं सर, पहली बार। ये पहली बार हो रहा है आपका इंटरव्यू। पहली बार। तो कैसा लग रहा है आपको अभी। कुछ बहुत अच्छा लग रहा है सर। अब अपने तो सब्सक्राइबर थोड़े से कम है लेकिन कुछ नहीं, बढ़ जाएंगे, लेकिन जो भी जो भी व्यूअर्स देखेंगे ये वीडियो उनका भी दिल खुश हो जाएगा ये वीडियो और ये स्टोरी आपकी देख के। भाई जो अभी ये कबूतर का पेयर दिखा रहे हैं ये मद्रासी कबूतर का पेयर है। तो ये भी आपने बाहर से मंगाए थे या फिर। कबूतर मैंने दिल्ली से मंगाए। ये दिल्ली से मंगाए थे आपने। इनका रिजल्ट अच्छा है, ये भी कबूतर मेरे पास 4-5 घंटे उड़े हुए। तकरीबन ये कितना महीने या साल हो गए आपके पास में है। ये 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए। आपने तो अच्छे खासे इनके बच्चे वगैरह ले लिए होंगे। इनके पट्टे है मेरे पास। अच्छा तो उनके पट्टों का क्या रिजल्ट आया है। इनके पट्टे सर मैंने उड़ाया नहीं, मैंने इन्हीं को उड़ाया हूँ। डायरेक्ट इन्हों के उड़ाए थे। इन्हीं को उड़ाया। अच्छा तो ये देख सकते हो जो अनाड़ी आग के कबूतर बोलते है। हाँ हाँ। या टाकी कबूतर बोलते हैं उनमें से सर।
जो आधी काली आधी पीली, ताकि आटकुल। अच्छा, ये दोनों साइड से वैसे ही है क्या? मेल फीमेल दोनों वैसी है। अच्छा, फीमेल भी कहीं जाती है? ये मेल है, ये मेल है, ये भी दोनों आठ से वैसी। लाल कंसरे का जोड़ा है। अच्छा, ये मेल मेरे पास 4 बजे तक उड़ी हुई, सुबह 6 बजे से धूप काले। अच्छा, और एक कबूतर मेरा 2 बजे तक उड़ा हुआ है, उसी का नर। ये दोनों पेयर ही है ना? जी, ये दोनों पेयर ही। ये इनके कुछ तो भी कहानी है कि इनके कहीं पर भी बेचो। इनको कहीं पे भी बेच दूंगा, वो अगला इनको जिस दिन भी उड़ाएंगे, के बाद उड़ाएंगे कि कभी भी उड़ाएंगे। वापस आ जाए। अच्छा, घर में वो कबूतर वापस आ जाएगा। तो ये इनकी खासियत है जी। मतलब आपने अभी तकरीबन कितने, मतलब कितने बार हो चुका है इनको घर से बेची हुई आपने? इनको सर मैंने 2 बार बेच चुका हूँ। हाँ हाँ, दो बार मेरे पास वापस आए। एक अच्छा, बार सामने से आए, एक बार नागपुर से आए। अरे बाप रे जी, नागपुर से जयताड़ा से एक बार भक्के आए। अच्छा, और सामने से एक बार भक्के आए। हालांकि ये कबूतर तो बीच में गायब हो जाता है, लेकिन ये डायरेक्ट आपके घर में आते है। अच्छा, इनकी आंखों का भी शौक करा देंगे कबूतर को। पल्ले वगैरह, ये इसके पंजे हैं। पल्ले बंदून का, ये इसकी पूंछ है। बंदून का कबूतर, इसके पैर के पंजे। वो मेल भी ना, इसकी फीमेल है। छोटी चोच की फीमेल है। हाँ हाँ, इसके पल्ले। पंजे इनसे, ये इसकी पूंछ है। ये भी बंदूम का ही कबूतर है। इसके पंजे, हा माझा जॉक्शिनेचा जोड़ा है। आणि याच्या वडिलाचीच माझ्याकडे संपूर्ण नसल। अच्छा, याच्या वडिलांनी मला कलंके, पिलंके आणि सपदंके तिन्ही कबूतराची नसल। अच्छा, तो ये कितने साल पुराना कबूतर है आपके? हा सर पट्टा आहे, याचे वडील माझ्याकडे 15 वर्ष जुने कबूतर। अच्छा, 15 साल। हा आता सर 6 वर्षाचा पट्टा आहे। और ऐसा कोई कबूतर नहीं है कि अपने पास में जो 25 साल से अपने साथ ही आ रहा है? वैसा कोई रहा ही नहीं, बीमारी आती है, कबूतर मर जाते हैं। हाँ हाँ, तो ये कबूतर है। हा मेल आहे, जॉक्सी ना। कैसे पंखा है, कैसी शिफ्टी। ये भी बंदूम का कबूतर है। अरे ये पायाचे पंजे, ब्लैक पंजे। ये मादी है, वही फीमेल पण माझ्याकडे 4 वाजे पर्यंत उडलेली आहे। अच्छा, हे परकट मध्ये ठेवलेले आहे मी, पण कापून ठेवलेले आहे इथे वाले। अच्छा, आणि हे खडी दुमची कबूतर। खडी दुमका है। और जैसे कि अभी जो शौक चालू किया है, तो उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे कि आप, मतलब उनको कुछ बताना चाहोगे जो अभी? मेरा बोलना ये है सर कि कबूतर पालना तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उनको उड़ाने के लिए भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर कोई टिप्स या हेल्प हमारे से चाहिए तो अच्छा, हमारे नंबर पे संपर्क करके हमारे से पूछ सकते। अच्छा, मतलब गाइडलाइन वगैरह आप पूरी अच्छे से कर सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, नसल किसी को बनाना है तो उनके बारे में भी हम जानकारी ले सकते। अच्छा, कबूतर बीमार सुधारने के लिए बच्चा नॉलेज है उनके पास। हाँ हाँ, मतलब एक जो स्टार्टिंग कर रहा है तो उसको सबसे पहले कौन से कबूतरों से स्टार्ट करना चाहिए? नॉर्मली अपने जो भी है गावरानी कबूतर जो अपन। अच्छा, जो देसी कबूतर है, अपने देसी कबूतर पालते, बस उन्हीं से अपने को चालू करना है। हाँ हाँ, और उन्हीं को अपने को उड़ाना है, जो भी कबूतर अपने पास उड़ रहा है। हाँ हाँ, अपने को उसी की नस्ल बनाना है। नहीं, जो अभी जो नए स्टार्ट करते हैं तो वो एकदम से बोलते हैं कि डायरेक्ट हमको
डायरेक्ट 4-5 घंटे 7 घंटे उड़ने वाले ही कबूतर होना तो ऐसा नहीं होता। कबूतर उन्हीं के ऊपर उड़ाने के लिए डिपेंड करता है। अच्छा, कोई भी कबूतर नॉर्मली 4-5 घंटे नहीं उड़ता, आप उसको वैसे बनाओगे, उसके लिए आपको स्ट्रगल करना है, उसके पीछे भी बहुत मेहनत होती है जी, तभी वो कबूतर उड़ेगा। अच्छा, नॉर्मली कोई भी बोलता है बाजार से भी कबूतर लाते हैं, किसी भी खेल से लाते हैं कि ये कबूतर उड़ता है, तो वैसा नहीं होता है। आपको उसको उसके ऊपर जब तक आप स्ट्रगल करोगे नहीं, मेहनत करोगे नहीं, तब तक कबूतर नहीं उड़ेगा। नहीं, ये तो बात सही है, क्योंकि मेहनत ही आगे बढ़ाती है और मेहनत ही सब कुछ कराती है। कबूतरांचा जोडा आहे। अच्छा, परे कबूतरांचा, यांच्या पण खूप चांगला रिझल्ट आहे, यांचे पट्टे पण खूप चांगले उडतात। तकरीबन इन्होने कितना टाइम दिया है? इनका भी 7 घंटे का 6 घंटे का टाइम है, 6 से 7 घंटे का टाइम। अच्छा, नॉर्मली कोई भी ऐसी दवाई खिला के या कोई भी ऐसा कुछ खिला के नहीं, नॉर्मली उड़ते। अच्छा, और जैसा कि अगर अविनाश भाई, एक सवाल है आपसे कि जैसे अभी ठंडी चालू हो चुकी है, तो कबूतरों का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? ये अपने को मेन जो है उनको ठंडी से बचाना है, क्योंकि ठंडी में हमारे बच्चे मर जाते हैं। हाँ। कबूतरों के ऊपर से कबूतरों को सुखने की बीमारी आ जाती है। हाँ हाँ, जैसे मेरे पास में भी 1-2 कबूतर अभी बीमार हुए है। हाँ हाँ, तो इनको नॉर्मली अपन जैसा पिंजरे को ढकते है, हाँ, उनको ढक के रखना चाहिए, उनको नॉर्मली बाजरा या राई ज्यादा से ज्यादा खिलाना चाहिए। अच्छा, जो कबूतर गर्म रहे, हाँ हाँ, उनको ज्यादा ठंडी ना लगे, उनको अंदर से गर्म करना जी, जी। मेरे सभी कबूतर प्रेमी भाइयों से यही कहना है कि ठंडी में उनकी ज्यादा से ज्यादा केयर करिए, कि आपके कबूतर अच्छे रहे। क्योंकि कबूतर बनाने में काफी मेहनत लगती है, नस्ल बनाने में वक्त भी लगता है और समय भी लगता है, आदमी को इधर से उधर घूमना भी पड़ता है, हर खेल जाके एक एक कबूतर ला के उनकी नस्ल बनाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, कई दूर दूर चलना पड़ता है अपने को, और वहाँ से गिने चुने कबूतर ला के मिलते हैं, और हर कोई कबूतरबाज कबूतर नस्ल बनाने के लिए देगा ये पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि हर कोई अपनी नस्ल छोड़ना नहीं चाहता, शेयर करना नहीं चाहता, नहीं, और सब अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो उस वजह से अपने घर के कबूतर कोई देता नहीं है। तो आपसे जो भी है ये पट्टों का व्यूवर्स आपसे कांटेक्ट करेंगे तो उनके साथ में, इनके नॉर्मली मैं इनके पट्टे ही सेल करता हूँ, मैं इसमें का कोई भी बड़ा कबूतर सेल नहीं करता जी। ठीक है, तो यही वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको भी जो अविनाश भाई के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली होंगी और जिनके जो आपने उनके कबूतर वगैरह देखे होंगे, सेटअप देखे होंगे, तो आप भी समझ गए होंगे कि क्या लेवल का शौक है उनका और क्या चीज़ के कबूतर है उनके पास में। तो ये वीडियो को एंड करते हैं, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए माय न्यू चैनल के लिए, और ऐसे ही वीडियो आपके लिए आते रहेंगे आगे, तो देखते रहिए पंचीपेट्स वर्ल्ड। थैंक यू।